और दूसरी बात, आरोप आप जावेद पर लगा रहे हैं और घर गिरा रहे हैं, घर जावेद के नाम नहीं उनकी पत्नी के नाम पे है। जो व्यक्ति अपराधी है सजा उसी को मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती। जो अदालत का अधिकार है तुम्हारा अधिकार तो कभी भी नहीं है, पुलिस का अधिकार कभी नहीं है, शासन प्रशासन में बैठे हुए गुंडों का अधिकार कभी नहीं है, न किसी मुख्यमंत्री का, न मंत्री का, न किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर का, किसी का अधिकार नहीं। अधिकार है तो अदालत का है, अदालत सजा देगी। जो भी अधिकार किसने दिया है, जब कोई महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी अधिकार किसने दिया? फांसी पे थोड़ी लटका दिया जाएगा इस बयान के आधार। कौन कह रहा है फांसी के आधार फांसी पे लटका दिया जाए? कौन कह रहा है? सड़क पे पुतले जल रहे हैं, अभी ये कह रहा हूं, अभी ये कह रहा हूं, सड़क पे पुतले जलना फांसी लगना? वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया। आप नहीं मतलब पत्रकारिता सवाल बड़ा मजेदार झूठ बोला प्रधानमंत्री ने, आज आया ट्वीट उनका और बड़ा हल्ला मच रहा 10 लाख नौकरियों का। जो आदमी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा करके पूरे अपने 8 साल के कार्यकाल में 8 लाख नौकरियां नहीं दे सका, वो आदमी सर एक लंबा वक्त बीत गया और गिरफ्तारी का आंकड़ा भी है जो बढ़ता जा रहा है। जो कहा जा रहा है कि जो हिंसा में जो लोग शामिल थे 337 आंकड़ा पार कर गया, लेकिन अब तक जिसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए नुपुर शर्मा, अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्या कहेंगे सर? गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए मैं बार बार ये कह चुका हूँ, जिसको प्रधानमंत्री का संरक्षण है, जिसको मोदी सरकार भाजपा सरकार का केंद्र में भी राज्य में जिसको संरक्षण प्राप्त है, उसकी गिरफ्तारी का कोई मतलब ही नहीं है, उसे गिरफ्तार करेंगे ही नहीं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो मेरी ये बात सच सिद्ध हो रही है। और दूसरी तरफ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्योंकि वो तो मुसलमान है और मुसलमान को तो मतलब तबाह करना ही है, मोदी सरकार का, योगी सरकार का, भाजपा सरकार का, आरएसएस का ये लक्ष्य है कि मुसलमान को पूरी तरह से तबाह करना है, उसे दबा के रखना है। तो इसीलिए जो है मतलब सारी जो गिरफ्तारियां मुस्लिम समाज की, वो तो कहते हैं हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम एकता की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। संविधान को अगर मानने वाले वो लोग होते तो जिस तरह से कल अलाहाबाद में जावेद खान का जो जावेद का जो घर गिराया गया है, बल्कि वो घर भी जावेद की पत्नी के नाम है, जिसे गिराने का किसी को कोई हक नहीं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी हक नहीं है, लेकिन कुछ सरकारी गुंडों ने मिलके बुलडोजर लेके पुलिस की मतलब भारी तैनाती के बीच में एक हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। नक्शा पास नहीं था, अवैध मामला था, नक्शा पास नहीं था, लेकिन कार्रवाई किस पे हुई है, कार्रवाई कब हुई है? कार्रवाई हुई है ये कहकर कि जावेद जो अलाहाबाद में दंगा हुआ है या अलाहाबाद में जो लोग प्रदर्शन करने निकले हैं उनका मास्टरमाइंड है, यह कह के कार्रवाई हुई है। अगर यह कह के कार्रवाई होती तो क्या इसी समय होती? पहले यह कहा जा रहा है कि यह मास्टरमाइंड है, उसके बाद उसके घर को तोड़कर गिराया जा रहा है और बाद में वो नोटिस दिखाए जा रहे हैं कि साहब ये जो कार्रवाई है ये तो पहले ही चल रही है, ये तो 10 मई से शुरू है, हमने इसको 27 मई तक का समय दिया था, इसने 28 को जवाब देना था, इसने वो नहीं बनाया, फिर इसको कहा गया अभी 9 तारीख तक जवाब दे, 9 तारीख तक नहीं बताया, फिर उसके बाद में 10 तारीख को आके हमने जो है ये सारी कार्रवाई की है, ये सब सारी चीजें कही जा रही हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस देश में कौन सा ऐसा अपराध है, कौन से ऐसे अपराधी हैं जिनको आईपीसी के तहत अगर वो कोई अपराध कर रहे हैं तो, या किसी भी आपराधिक कानून के तहत अगर वो कोई अपराध कर रहे हैं तो बिना कोर्ट की इजाजत के किसको किसी का घर गिराने का अधिकार मिल जाता है? दूसरी बात, अगर कोई अपराधी भी है किसी भी अपराध का, तब भी किसी का घर नहीं गिराया जा सकता, उसमें कानूनन उसको जो सजा होगी या जो जुर्माना होगा वो केवल कोर्ट अनाउंस करेगी, वही उसको दंड होगा। घर गिराने का किसी को अधिकार नहीं है किसी भी आपराधिक मामले में, और जिसमें कहा जा रहा है। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो जो अधिकारी थे, जिन अधिकारियों ने ये बनने दिया गया अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, जिनकी बात कही जा रही है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था, तो उन अपराधी अधिकारियों को सजा क्यों नहीं है, कैसे बनने दिया गया ये? और दूसरी बात, आरोप आप जावेद पर लगा रहे हैं और घर गिरा रहे हैं, घर जावेद के नाम नहीं उनकी पत्नी के नाम पे है। जो व्यक्ति अपराधी है सजा उसी को मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती, उसकी मां को नहीं मिलेगी, उसके बाप को नहीं मिलेगी, उसके बेटे बेटियों को, पति पत्नी भाई बहनों को, रिश्तेदारों को नहीं मिलेगी, सिर्फ उसी को सजा मिलेगी। आप दूसरों को सजा दे रहे हैं तो कानून को जो है आपने अपनी रखेल बना लिया है, और क्या रह गया है? मतलब शासन प्रशासन में बैठे हुए गुंडों ने कानून को अपनी रखेल बना लिया है, और इस देश की अदालतें सब मर चुकी हैं, सब दफन हो चुकी हैं,
ये जो कल जावेद का घर तोड़ा गया है, ये जावेद का घर नहीं टूटा, ये इस देश की सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो टूटी है, ये अलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खूबसूरत बिल्डिंग है वो टूटी है और उसके नीचे दफन हो गई है अलाहाबाद हाईकोर्ट, अलाहाबाद हाईकोर्ट और यहां पे इस देश की सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय दफन हो गई है, उनकी कब्र खुद गई है। हकीकत यह है, कोई कानून भी तो होगा, किसी तरह तो होगा, कोई नहीं बोल रहा। सर पूर्व जजों ने सीजेआई को पत्र लिखा है कि ये संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, जो पूर्व जजेस है कम से कम उनकी अंतरात्मा, उनका अंतर्मन तो उन्हें झकझोर रहा है और उन्हें इस बात पर, उन्होंने उनके अंतर्मन ने इस बात पर उनको जो है कि भाई वो चिट्ठी लिखे, कम से कम बताएं, अदालत को बताएं कि ये क्या हो रहा, मजाक बन रहा है, कम से कम कोई तो कार्रवाई करो। आपको बता दूं एक बड़ी मजेदार बात, इसको समझने की जरूरत है, ये कानूनी पॉइंट है, इस देश के हर किसी व्यक्ति को ये जानने की जरूरत है, जानना चाहिए उसे, उसे समझ आना चाहिए है क्या, देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2400 घंटे जज हैं, केवल वो उसी समय जज नहीं होते जिस समय कोर्ट में बैठ के वो मुकदमा सुनने होते हैं, 2400 घंटे जज हैं वो, जहां भी खड़े हैं वही जज है, वही अदालत है, हर जगह जज है वो, जस्टिस ऑफ पीस है, संविधान ने अधिकार दिया है, सुमोटो एक्शन का अधिकार इसलिए दिया गया है हर जगह। तो अगर वो चाहे जो 2400 घंटे जो मीडिया रखेल बनी हुई है सरकार की, वो मीडिया 2400 घंटे लगातार उसकी डायरेक्ट टेलीकास्ट दिखा रहा है, दुनिया को दिख रहा है, क्या किसी जज को नहीं दिखा होगा, किसी जज के अंतर्मन ने ये उसे नहीं झकझोरा कि इतना घोर अन्याय हो रहा है, कम से कम कोई कार्रवाई करे, कोई भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई जज या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक जरा फोन करके पूछ ही लेता सिर्फ इतना ही, क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे हो रही है, बस इतनी ही जरूरत थी, या इस उत्तर प्रदेश के डीजीपी से पूछ लेता क्या तमाशा हो रहा है भाई, क्या ये हो रहा है, किस तरह से, किस कानून के तहत हो रही है, बस इतना ही, अपने आप सब रुक जाना था, किसी को नहीं दिखा, किसी को भी, किसी के भी संज्ञान में नहीं आया। हाई कोर्ट के जजेस इस प्रदेश की कहीं भी 2400 घंटे वो जज हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं हर जगह, क्या ये पता नहीं। दूसरा इसके अलावा जो बात बता रहा हूं, देखिए कोई भी कानून है, इस देश के कानून की जो आधारशिला है बहुत जबरदस्त तरीके से संत लोग थे जिन्होंने बनाई, और कानून यह कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता, उस पर आपने आरोप लगाए कोई दिक्कत नहीं, एफआईआर करी, चार्जशीट फाइल करी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक अदालत से दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो पूरी तरह से बेगुनाह है। और इसके अलावा चाहे 100 के 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सजा की बात, घर तोड़ना तो कहीं भी नहीं है, दूर तक भी नहीं है, ना संविधान में ना किसी कानून में। सर कानून व्यवस्था बनाए रखने की, कानून व्यवस्था सरकार की भी तो जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी गुंडागर्दी करने की नहीं है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में जो दोषी है, अपराधी है, कानून के तहत काम करोगे ना आप? आपने तो वही साथ के साथ में ना एफआईआर लिखी ना कुछ किया आपने, या आपने एफआईआर भी लिख ली तो एफआईआर भी लिख ली, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, अदालत में मुकदमा भी चल गया आप ही की अदालत में, और आपने बुलडोजर लिया और तोड़ दिया सब कुछ, आप ही कंप्लेंट करने वाले, आप ही इन्वेस्टिगेशन करने वाले, आप ही मुकदमा सुनने वाले, और आप ही फैसला सुनाने वाले, और फैसले को लागू करने वाले ये भी आप ही, सब कुछ एक झटके में हो गया सिर्फ 2 दिनों में यूं। मतलब जिस तरह से सरकार ने गुंडागर्दी करके मजाक बना रखा है, पूरे मुस्लिम समाज के खिलाफ जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, इस जघन्य अपराध कोई और होगा नहीं, और ये इस अपराध में शामिल है इस देश की अदालतें भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। शासनिक प्रशासनिक आदमियों की तो बात ही कहना क्या है, वो तो सारे के सारे एक मतलब कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई बता सकता है तो अदालत सबके सब इसमें शामिल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अदालतें मर चुकी हैं और वो घर उनका नहीं टूटा, इस देश की न्यायपालिका की कब्र खुद गई वो सब जो कल हुआ। लेकिन सर आरोप तो मुसलमानों पर लग रहा है कि वो दंगा करना चाहते हैं, दंगा भड़काने में सबसे आगे मुसलमान ही रहते हैं, और उनको एक मुद्दा मिल गया और वो दंगा कर रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा, जब तक अदालत से ये सिद्ध ना हो जाए कि ये व्यक्ति दोषी है, तब तक कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है, तब तक वो निर्दोष है। आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आरोप लगाइए, आप एफआईआर लिखिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सबूत सारे इकट्ठा कीजिए, अदालत में चार्जशीट फाइल कीजिए, करिए ना मुकदमा, चलने दीजिए मुकदमा, अदालत में सिद्ध होने दीजिए, और जिस दिन सिद्ध हो जाए उस दिन जो अदालत का अधिकार हो, तुम्हारा अधिकार तो कभी भी नहीं है, पुलिस का अधिकार कभी नहीं है, शासन प्रशासन में बैठे हुए गुंडों का अधिकार कभी नहीं है, न किसी मुख्यमंत्री का, न मंत्री का, न किसी ISIPS ऑफिसर का, किसी का अधिकार नहीं, अधिकार है तो अदालत का है, अदालत सजा देगी जो भी देगी। ये जो गुंडागर्दी चल रही है, देश को तबाही की तरफ जो बुरी तरह से ढकेला जा रहा है,
ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो क्या सर न्याय की उम्मीद सरकार में नहीं रखी क्या? सरकार में यार इस सब के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लगातार टारगेट करके केवल और केवल मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उस सब के बावजूद कह रहे हो आपकी न्याय की उम्मीद रखें? न्याय की उम्मीद सरकार से क्या रखनी है जब अदालतों से न्याय की उम्मीद नहीं है? इसीलिए तो मैं कहता हूं मेरी बातें बुरी भी लगती होंगी, ये देश सरकार से भरोसा नहीं रहेगा। ये देश अगर इसी तरह से चलता रहा तो तबाही की तरफ जा रहा है। बहुत बड़ी बात नहीं है, देश के जो हालात हो गए हैं, आर्थिक स्थिति इतनी बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से देश की आर्थिक स्थिति उन गर्त में जा चुकी है जहां से निकल पाना लगभग असंभव सा नजर आ रहा है। धीरे धीरे महंगाई, अभी महंगाई की जो आई है, महंगाई आज की तारीख में सबसे ज्यादा इस देश में, इससे पहले इतनी महंगाई कभी नहीं रही। आज जो थोक सूचकांक है वो कहां से सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर किसी महिला के बयान से कुछ निकल जाता है मुझसे, तो क्या नहीं लगता है कि इस मामले में इतना उद्योग नहीं मचाना चाहिए, मुसलमानों को माफ कर देना चाहिए? बात महिला या उसकी नहीं है, महिला या पुरुष की नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। अगर महिलाएं पुरुष के बराबरी का दर्जा मांग रही हैं तो फिर उनको जो पुरुष के साथ हो रहा है फिर उनके साथ भी होना चाहिए, वही उसी अपराध उसी दंड के जो भागीदार वो भी हैं। अगर समानता की बात आप कर रहे हैं तो एक महिला को यह अधिकार किसने दिया है कि किसी भी धर्म के जो मुखिया है, ये यूं कहो कि किसी भी धर्म के जो पूज्य है, सबसे ज्यादा पूज्य है, आप उनका अपमान करेंगे बिना ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों के? यह अधिकार किसने दिया है? जब कोई महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी अधिकार किसने दिया? फांसी पे थोड़ी लटका दिया जाएगा इस बयान के आधार। कौन कह रहा फांसी के आधार फांसी पे लटका दिया जाएगा? कौन कह रहा है? सड़क पे पुतले जलना, हम ये कह रहा हूं, हम ये कह रहा हूं, अच्छा सड़क पे पुतले जलना फांसी लगना है? वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया, आप नहीं मतलब पत्रकारिता में पुतले पुतले में फांसी का फंदा डाल करके बीच सड़क पे ये करना, ये व्यक्ति का अपने अंदर का आक्रोश है जो आपको दिख रहा है। आप ये पैदा क्यों होने दे रहे हैं आक्रोश? क्यों नहीं आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं सर? गलत क्यों नहीं आपने जो है अभी तक उसको अरेस्ट किया? विदेशों में गलत मैसेज जा रहा है सर। किस बिल्कुल, जब आप गलत मैसेज भेजोगे तो भाई, जब आप गलत मैसेज भेजोगे तो गलत मैसेज जाएगा, मैसेज तो गलत जाएगा और बिल्कुल इसी तरह से जाता भी रहेगा अगर सरकार बदलेगी नहीं। तो सरकार एक पक्षीय कार्रवाई करेगी, आज की दुनिया में आज के समय में ये छुपा रह जाएगा कोई? दुनिया भर में, दुनिया भर के पत्रकार भरे हुए हैं, सब लोग कहीं कहीं से भी खोज खोज के चीजें लाते हैं, सारी चीजें लोगों के सामने आती हैं, तो कहां तक आप करोगे? अगर आप गलत करोगे तो वो गलत भी पकड़ा जाएगा, दुनिया के मतलब सब मीडिया जो है दिखाएगा उसको। क्या प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए इस पे? आना चाहिए, बहुत पहले छोड़नी चाहिए, बहुत पहले चुप्पी तोड़नी चाहिए थी। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री का नैतिक साहस पूरी तरह से मर चुका है। प्रधानमंत्री में नैतिक साहस नहीं है, गलत को गलत कह सकें, सही को सही कह सकें। प्रधानमंत्री सिर्फ जब भी कहेंगे गलत को सही कहेंगे और सही को गलत कहेंगे। झूठ बोलने में उनको महारत हासिल है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। और अभी भी एक झूठ और बड़ा मजेदार बोला, तुम पूछने रहे उस पर सवाल, बड़ा मजेदार झूठ बोला प्रधानमंत्री ने, आज ही आया ट्वीट उनका और बड़ा हल्ला मच रहा 10 लाख नौकरियों का। जो आदमी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा करके पूरे अपने 8 साल के कार्यकाल में 8 लाख नौकरियां नहीं दे सका, वो आदमी आज इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगा। आज समझ में, ये है प्रधानमंत्री का झूठ। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसी में, इसी साल गुजरात में और हिमाचल में चुनाव, और फिर अगले बार कर्नाटक में, मध्य प्रदेश और आपके राजस्थान और वहां पे चुनाव है, छत्तीसगढ़ में, अब फिर आई जाना, 1.5 साल हो ही जानी है, अगले साल नवंबर दिसंबर तक 1.5 साल पूरे हो जाने। सर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन भाजपा से लोग पार्टी छोड़ने लगे हैं, कोटा के जो पार्षद है वो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। चलिए हो सकता है किसी किसी का जो है नैतिक साहस इतना रहा हो, किसी में नैतिकता बची हो, उसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया हो, अन्यथा ऐसी उम्मीद बहुत कम है। पर फिर भी अगर किसी ने इस नैतिक दबाव में कि यार ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, पार्टी को छोड़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। इससे कम से कम टिमटिमाती सी एक उम्मीद कहीं नजर आती है कि